क्लास टेंथ की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। हमें फाइंड करना है इन सब के जीरोज, जो ये पॉलीनोमियल्स दिए गए हैं 1 से लेके 6 तक, इनके जीरोज फाइंड करने हैं और जो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन होता है उसे भी वेरीफाई करना है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे हम 2 वीडियोज में, ठीक है। तो पहली वीडियो में करेंगे हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और सेकेंड वीडियो में करेंगे हम फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। तो अभी करते हैं हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को इसी वीडियो में। तो इसमें फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस में 8। तो इसके सबसे पहले फैक्टर्स करके इसके जीरोज निकालते हैं। तो फैक्टर करना आप क्लास 9 में सीख चुके होंगे, फिर भी बता देता हूं मैं आपको। माइनस टू एक्स को हमें 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, इसे बांटना है कुछ इस तरह से कि प्लस या माइनस करने पर तो माइनस टू एक्स आए, और मल्टीप्लाई करने पर, जिस भी दो भागों में बांटेंगे उनको मल्टीप्लाई करने पर 8x स्क्वायर आए, ठीक है। तो हमने माइनस टू एक्स को बांट दिया है 2x माइनस 4 में। अगर 2x में से हम 4x को माइनस करेंगे तो माइनस 2x आएगा, और 2x और माइनस 4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, पहली दो टर्म्स जो है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या आ रहा है इनमें, x कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा x प्लस में 2। और इसी तरह से माइनस 4x और माइनस 8, इनमें से भी कॉमन लेंगे, इनमें कॉमन क्या आ रहा है माइनस 4, तो माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा x प्लस में 2। तो इसके दो फैक्टर्स क्या क्या आए हैं हमारे, x माइनस में 4 और x प्लस में 2। तो x माइनस 4 और x प्लस में 2, और इन्हीं से हम जीरोज फाइंड करेंगे। x माइनस में 4 जो भी आया उसके इक्वल टू में रखेंगे 0, और यहाँ भी रखेंगे 0, और x की वैल्यू फाइंड करेंगे दोनों तरफ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर x की वैल्यू माइनस 4 को दूसरी तरफ भेज देंगे तो आ जाएगा 4, x की वैल्यू आ गई 4, इसी तरह से x की वैल्यू इसमें आएगी माइनस 2, प्लस 2 को दूसरी तरफ भेजा तो माइनस 2। तो ये दो जीरोज आ गए हमारे, ठीक है, यही होंगे जो x की वैल्यू आएगी, यही होंगे हमारे दो जीरोज। तो दो जीरोज तो आ गए हमारे, ठीक है। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप जीरोज और कोफिशिएंट की। तो कोफिशिएंट और जीरोज की रिलेशन क्या होती है, सम ऑफ जीरोज। जब हम जीरोज का सम करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोज दोनों का सम करते हैं, यानी कि 4 प्लस में माइनस 2, ठीक है, इन दोनों का सम, 4 और माइनस 2 का सम यानी कि प्लस, ये किसके इक्वल होगा, माइनस, माइनस में कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट एक्स का कोफिशियंट क्या है यहाँ पर, माइनस 2, तो माइनस 2 अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है 1। ये दोनों इक्वल होने चाहिए सॉल्व करने पर। तो 4 प्लस माइनस माइनस, तो 4 माइनस 2 इक्वल्स टू में, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2। तो 4 माइनस 2 ये होता है 2, और इस तरफ भी आ रहा है 2, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो 1 है ये लिखना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो 2 इक्वल्स टू 2, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ये सम का जो है, सम ऑफ जीरोज का जो रिलेशन है कोफिशिएंट के साथ, वो तो हो गया वेरीफाई। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज का प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो किसके इक्वल होगा, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि 4 मल्टीप्लाई में माइनस 2, तो 4 मल्टीप्लाई में माइनस 2 किसके इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर, माइनस 8, तो माइनस 8 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो अपॉन में 1। तो यहाँ पर 4 है प्लस का, 2 है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, और 4 टू जा 8, माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस 8, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, ये हो गया यहाँ पर रिलेशन वेरीफाई, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है 4x स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1, तो इसके भी फैक्टर्स करके जीरो निकालेंगे। तो इसके फैक्टर्स कुछ इस तरह से होंगे, 4s स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, और माइनस 4x माइनस 4s, इसको हम दो भागों में स्प्लिट करेंगे, माइनस 2s और माइनस 2s में, ठीक है, और प्लस में 1 एज इट इज। अब जो हमारी फर्स्ट दो टर्म्स हैं इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 2s, 2s कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा 2s और माइनस में 1। इसी तरह से सेकंड जो है, मतलब माइनस 2s और प्लस 1, इसमें से भी लेंगे हम कॉमन, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 1 कॉमन लेने पर बचेगा 2s माइनस 1,
ठीक है, तो इसके दो फैक्टर्स क्या हुए, 2s माइनस 1, और सेकंड भी क्या होगा 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, और यहां से s की वैल्यू निकाल लेते हैं दोनों तरफ से, ठीक है, इक्वल्स टू में 0 रख के दोनों तरफ से s की वैल्यू निकाल लेते हैं, वही हो जाएंगे इसके जीरोस। तो s की वैल्यू निकालने के लिए प्लस 1 को दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2s इक्वल्स टू 1, और अब 2 को भी दूसरी तरफ भेजेंगे, 2 को दूसरी 2s के साथ मल्टीप्लाई में, तो दूसरी तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो s इक्वल्स टू 1/2, और जो सेकंड है वो उसका भी बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है, s इक्वल्स टू 1/2। तो इसके दो जीरोस जो आए हैं वो हैं 1/2 और 1/2। अब करते हैं इसकी रिलेशनशिप वेरीफाई जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ s और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस यानी कि 1/2 प्लस में 1/2, ये किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस, ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ s, s का कोफिशिएंट क्या है, -4, -4 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, s स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4, तो 4, ठीक है, तो 1/2 प्लस में 1/2, 1/2 क्या होता है, हाफ, हाफ प्लस में हाफ, हाफ प्लस में हाफ होता है 1, इक्वल्स टू यहां पर है ये माइनस माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 1 जा 4, तो ये भी आएगा 1। तो ये सम ऑफ जीरोस तो हो गया वेरीफाई, अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2, दोनों का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म है 1, तो 1 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, s स्क्वायर क्या है, को x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4, तो ये हो गया 4, तो बिल्कुल ये साफ-साफ दिखाई दे रहा है इक्वल है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, इक्वल्स में 1/4, तो ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अब है थर्ड जो है 6x² - 3 -7x, तो इसे पहले प्रॉपर वे में अरेंजमेंट करेंगे, तो प्रॉपर अरेंजमेंट किस तरह से होगी इसकी, 6x² माइनस में 7x माइनस में 3, ठीक है, मतलब हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट वैल्यू पावर सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद लोअर, उसके बाद लीस्ट सबसे कम, ठीक है। अब करेंगे इसके फैक्टर्स, तो इसके फैक्टर्स सिंपल जो क्लास 9th में या पीछे वाले क्वेश्चन में जो हमने किए थे कुछ उसी तरह से, ठीक है, तो इसके फैक्टर्स होंगे 6x² और -7x जो है उसको लिखेंगे हम +2x और माइनस में 9x और -3। ये हमने 2x और 9x इसलिए लिखा है क्योंकि 2x में से 9x को माइनस करेंगे तो -7 आ जाएगा, और 2x और 9x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए हमारा, 6x² मल्टीप्लाई में -3, तो 18x², तो इनको मल्टीप्लाई करने पर 18x² भी आ रहा है, ठीक है। अब पहली दो टर्म्स में से ले लेते हैं कॉमन, तो कॉमन क्या आ रहा है, 2x कॉमन लेने पे क्या बचेगा, 3x प्लस में 1, इसी तरह से -9x -3 इनमें से भी कॉमन लेंगे, तो यहां से कॉमन आ रहा है 3, तो प्लस में सॉरी माइनस का 3 ले लेते हैं, -3, तो ये 3 3 जा 9, 3x प्लस में 1, ये दो फैक्टर्स आए हैं इसके, 2x -3, 2x -3 और 3x प्लस 1, तो इनके यहां से जीरोस मतलब x की वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है, तो x की वैल्यूज यहां x की वैल्यू निकालेंगे, 3 को दूसरी तरफ -3 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, और 2 इस तरफ मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ जाके डिवाइड में, यानी x की वैल्यू क्या आएगी, 3/2। इसी तरह से इसकी भी x की वैल्यू निकालेंगे, +1 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो -1 हो जाएगा, और 3x के साथ मल्टीप्लाई में है यहां पर तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में, यानी कि दो जो दो जीरोस आए हैं वो होंगे 3/2 और -1/3। अब इन्हें वेरीफाई भी कर लेते हैं, सम ऑफ जीरोस मतलब इन दो जीरोस का सम किसके इक्वल होगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप यहां पे पढ़ सकते हैं, तो 3/2 प्लस में -1/3, तो 3/2 प्लस में -1/3, ये किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस x का कोफिशिएंट क्या है, -7, तो सबसे पहले माइनस उसके बाद -7 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहां पर 6, ठीक है,
तो यहाँ पर इस तरफ हमें एलसीएम लेके इसे सोल्व करना पड़ेगा, तो 3 2 6 एलसीएम आएगा इनका 6, और ऊपर क्या आएगा 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 पर, तो 3 3 9 हो जाएगा ये, ठीक है 3 3 9, और यहाँ पर 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और दूसरी तरफ क्या है --7, तो -- होता है प्लस, तो इसे हम लिख सकते हैं 7/6, ठीक है। अब 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 9 में से 2 को माइनस किया 7/6, तो ये हो गया 7/6 इक्वल्स टू 7/6, ठीक है ये हो गया यहाँ पर वेरीफाई। अब देख लेते हैं इनका प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी वेरीफाई करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई में -1/3 किसके इक्वल होना चाहिए, कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर -3, तो -3 अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है यहाँ पर 6, तो 6। इसे सोल्व करते हैं, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, और 2 3 6, तो यहाँ पर है -3/6 और दूसरी तरफ भी -3/6, या फिर मतलब वैसे वेरीफाई तो हो गया ही ये इक्वल है, या फिर आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं 3 1 3 और 3 2 6, तो आंसर आएगा हमारा -1/2, इस तरफ भी कैंसिल करेंगे 3 1 3 और 3 2 6, तो -1/2, ठीक है तब भी हमारा इक्वल ही रहेगा, ठीक है ये हो गया है वेरीफाई। अब नेक्स्ट जो है इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट है 4th 5th और 6th, वो देखेंगे हम आगे वाली वीडियो में।